उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी। मेरे साथ सभी प्रेम से बोले जय श्री महाकाल। जहाँ का कण कण शंकर है और धरा आध्यात्म आस्था एवं विश्वास का बेजोड़ संगम। बाबा के दर्शन मात्र से ही जहाँ जीवन तर जाता है तो अद्भुत लोक देखकर मन एकदम मुग्ध। और आप ये देखेगा कि दुनिया में जब किसी का भी कोई बड़ा व्यक्तित्व निखर के आया है, जिसको दुनिया एक तरह से अमरता की श्रेणी में लाती या महानतम श्रेणी में खड़ा करते हैं, उसका कभी न कभी उज्जैन से संबंध आया ही होगा। उज्जैन से संबंध आए बिना व्यक्ति का विराट व्यक्तित्व नहीं होता है। ये गौरवशाली महत्व भी उज्जैन का है। सब कुछ तो है इस धरा पर और अब प्रसादम भी। प्रसादम देश का पहला हेल्दी और हाइजेनिक स्ट्रीट फूड कोर्ट। अब यहाँ आने वाले भोले भक्तों को साफ स्वच्छ भोजन भी आसानी से उपलब्ध होगा। बेहतर सोच विचार के साथ रुचिपूर्ण भोजन और स्वास्थ्य का ख्याल भी। वाकई संभव हो पाया बाबा महाकाल के भक्त और एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की दूरदृष्टि के चलते। हमारी उज्जैन की रचना आपको पृथ्वी को समझना हो तो आप उज्जैन को समझ लो तो हमारी पृथ्वी का लघु रूप ध्यान में आ जाएगा। प्रसादम के माध्यम से आपने ये खाने पीने के जो स्वास्थ्य की मूल चीजें हाइजेनिक खाद्य के माध्यम से जो देश का पहला सेंटर का उद्घाटन किया है, मैं आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। सोच गहरी थी और कदम सराहनीय। तभी तो प्रसादम के लोकार्पण की सूचना से न सिर्फ उज्जैन या मध्य प्रदेश बल्कि देश विदेश से आने वाले भक्तों को भी एकदम प्रसन्न कर दिया। निश्चित ही साहब अभी तो ये मोहन बाबू के विचारों ने आकार लेना शुरू ही किया है। वक्त के साथ कई और सौगातें भी सामने होंगी। मतलब बाबा का ये धाम पुण्य देने वाला तो होगा ही और साथ में यात्रा बेहद सुविधाजनक भी।